नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज में। आईपीएल 2019 के 11वें मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद के गेंदबाजों ने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। 232 रन का पीछा करने उतरी बैंगलोर की शुरुआत बेहद खराब है। मोहम्मद नबी ने बैंगलोर के किसी बल्लेबाज को क्रीज पर टिकने नहीं दिया। उन्होंने दूसरे ओवर में ही उसके सलामी बल्लेबाज पार्थिव पटेल को आउट कर दिया। चौथे ओवर में शिमरान हेटमायर और एबी डिविलियर्स को भी पवन में लौटा दिया। इसके बाद संदीप शर्मा ने विराट कोहली का विकेट चटकाकर आरसीबी की बची खुची उम्मीदों को भी गुल कर दिया था। शिवम दुबे नबी के तीसरे और कुल छठे विकेट के रूप में आउट हुए। बैंगलोर ने 10 ओवर में 6 विकेट पर 44 रन बनाए। इसके पहले बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद के सलामी बल्लेबाजों जॉनी बैरस्टो 114 रन बनाकर और डेविड वार्नर 100 रन बनाकर नाबाद लौटे और 231 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। वार्नर और बैरस्टो ने पहले विकेट के लिए 185 रन जोड़े, जो कि आईपीएल इतिहास में पहले विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी है। इस सीजन में दोनों ने अभी तक सभी तीनों मैचों में 100 रन की साझेदारी की। बैरस्टो 12 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 114 रन बनाकर युजवेंद्र चहल के शिकार बने। वहीं वार्नर 55 गेंद में 100 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस मैच के लिए हैदराबाद ने अपनी टीम में 2 बदलाव भी किए। केन विलियमसन की जगह मोहम्मद नबी को लाए और शहबाज नदीम की जगह दीपक हुड्डा टीम में आए, जबकि आरसीबी ने नवदीप सैनी की जगह प्रयास रे बर्मन को लेकर आए थे। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जो कि बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं रहा। आईपीएल में बैंगलोर की पारी का 18वां ओवर विजय शंकर ने किया। इस ओवर में 6 रन आए और 1 विकेट गिरा। चौथी गेंद पर ग्रैंड होम रन आउट हो गए। बैंगलोर को जीत के लिए 6 गेंद में 122 रन की जरूरत। इसके बाद भी पारी संभालने की हालत में नहीं रही, क्योंकि 6 गेंद में 122 रन की जरूरत थी, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था बैंगलोर के लिए। इसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते गए और 20 ओवर के पहले ही बैंगलोर की टीम ऑल आउट हो गई।